नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स का जो सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है बिग बैश लीग में, उसके स्कोर की इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल प्लेइंग 11 और एक टीम देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पर्थ स्कॉर्चर्स के स्क्वाड देख लेते हैं। तो उसमें दो चेंजेस हुए दोस्तों, मिचेल मार्श, शॉन मार्श और हेडन मॉर्टन को स्क्वाड में ऐड कर लिया गया, और शॉन मार्श और मिचेल मार्श कल खेलेंगे भी। फिर एडम वोजेस कैप्टन है, कैमरा बैनक्रॉफ्ट, विल बोसिस्टो, टिम ब्रेसनन, हिल्टन क्रैटवाइट, मिचेल जॉनसन, मैथ्यू केली, माइकल क्लिंगर, मिचेल मार्श, शॉन मार्श, हेडन मॉर्टन, जे रिचर्डसन और एस्टन टर्नर। तो ये है दोस्तों पर्थ स्कॉर्चर्स की 30 प्लेयर स्क्वाड। तो अभी हम होबार्ट हरिकेन्स की स्क्वाड देख लेते हैं। तो उनके जो स्टार प्लेयर थे और लीडिंग रन स्कोर है टूर्नामेंट के, डिया की शॉट, वो कल नहीं खेलेंगे, वो स्क्वाड से भी बाहर है। उनकी जगह पर टिम पेन को स्क्वाड में ऐड कर लेगा और डायरेक्ट एंट्री उनके प्लेइंग 11 में भी हो सकती है। फिर जॉस बेली कैप्टन, जोफ्रा चोखा यार्चर, कैमरन बॉयस, टेनियो क्रिस्टियन, एलेक्स टुलन, बेन मैकडरमॉट और रिले मैड्रिड को भी ऐड कर लिया है दोस्तों स्क्वाड में एज ए रिप्लेसमेंट फॉर टाइमल मिल्स। तो टाइमल मिल्स भी नहीं खेलेंगे कल। सिमोन मिलिंको, टिम पेन, रेतन रेडियन, टॉम राजर्स, सिल्व्यू रॉस और मैथ्यू वेड। तो ये है दोस्तों होबार्ट हरिकेन्स की स्क्वाड। तो अभी हम पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले हम होबार्ट हरिकेन्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें एलेक्स टुलन या तो रेतन रेडियन, ये दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। फिर टिम पेन, मैथ्यू वेड, जॉर्ज बेली, बेन मैकडरमॉट, डैनियल क्रिस्टियन, सिमोन मिलिंको, रिले मेरेडिथ या तो टॉम रॉजर्स, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। ज़्यादा चांस है कि रिले मेरेडिथ को टीम मौका देना चाहिए कि डेब्यूट करवा सकती है रिले मेरेडिथ और टिम पेन को कल। फिर जोफ्रा आर्चर, कैमरन बायस और सिल्व्यू रॉस। तो जो बड़े प्लेयर्स होबार्ट हरिकेन्स से बाहर होने वाले, वो डीआर की शॉट और टाइमल मिल्स ये कल का मैच नहीं खेलेंगे। पर्थ स्कॉर्चर्स की बात कर ले तो उनके अभी बूस्ट मिल गया होगा। शॉन मार्श और मिचेल मार्श दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं दोस्तों, उनकी स्क्वाड में वापसी हो गई और कल प्लेइंग 11 में भी हमें देखने को मिल सकती है। फिर शॉन मार्श, माइकल क्लिंगर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, हिल्टन क्रैटवाइट, मिचेल मार्श, एस्टन टर्नर, एडम वोजेस, टिम ब्रेसनन, मिचेल जॉनसन, मैथ्यू केली और जे रिचर्डसन। तो ये हो सकती है दोस्तों पर्थ स्कॉर्चर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो अभी हम टीम देख लेते हैं। अपने अभी तक माइटी मिलन को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और रेफर कोड दिया उसे आप दे सकते हो, तो आपको कैश बोनस मिलेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आपको पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाने पड़ता है, तो आपको 50 या 100 रुपीज़ का कैश बोनस मिलता है। तो विकेट के पीछे हमारे पास दो ऑप्शन है, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और मैथ्यू वेड। बैनक्रॉफ्ट ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि कंसिस्टेंट रहे और लास्ट में भी 49 पे आउट हो गए थे। मैथ्यू वेड हमेशा 20 रन के बिलो ही आउट हो जाते, तो एक अच्छे ऑप्शन है कैमरन बैनक्रॉफ्ट, आप मैथ्यू वेड के साथ भी जा सकते हो। फिर बैटिंग में मैंने शॉन मार्श, जो जॉर्ज बेली, टिम पेन और बेन मैकडरमॉट को रखा है। आप ऐसे हिल्टन क्रैटवाइट को रख सकते हो। सैम व्हाइटमैन को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। एलेक्स डुलन के थोड़े चांसेस बनते हैं कल खेलने के। फिर आप यहाँ से माइकल क्लिंगर रख सकते हो, एस्टन टर्नर रख सकते हो, एडम वोजेस रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने मिचेल मार्श, डैनियल क्रिस्टियन और टिम ब्रेसनन को रखा है। एस्टन अगर दोस्तों, एस्टन अगर कल नहीं खेलेंगे, इनको भी स्क्वाड से बाहर कर देगा। डिया के शॉट नहीं खेलेंगे, एस्टन अगर नहीं खेलेंगे, सिमोन मेलन को खेल सकते हैं कल। तो आपके पास जो सेफ ऑप्शन है वो है टिम ब्रेसनन, डैनियल क्रिस्टियन, ये दो ही ऑप्शन सेफ है। लेकिन मिचेल मार्श भी थोड़े सेफ है, लेकिन कन्फर्म है कि एस्टन अगर और डिया के शॉट कल नहीं खेलेंगे। बॉलिंग में मैंने जोफ्रा चोका आर्चर को पिक किया है, जे रिचर्डसन को पिक किया है और यहाँ से रिले मेरेडिथ को पिक किया है। अगर आप रिले मेरेडिथ की जगह पर कैमरन बॉयस के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि रिले मेरेडिथ का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि खेलेंगे कि नहीं। आप यहाँ से सिल्व्यू रॉस को रख सकते हो, मैथ्यू केली को रख सकते हो। टाइमल मिल्स कल का मैच नहीं खेलेंगे, बस आपके पास इतने ऑप्शन है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो मैं शॉन मार्श पे जा रहा हूँ दोस्तों एज ए कैप्टनसी की, क्योंकि खेलेंगे तो ओपनिंग करेंगे या तो वन डाउन है कि ज़्यादा चांस है कि ओपनिंग करेंगे माइकल क्लिंगर के साथ, और बहुत अच्छे बैट्समैन है दोस्तों। और वाइस कैप्टन मैं डैनियल क्रिस्टियन को रख रहा हूँ, क्योंकि अगर टाइमन मिल्स और डिया की शॉट नहीं है, डिया की शॉट एक पार्ट टाइमर बॉलर की जैसे भूमिका निभा रहे थे बॉलिंग में होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, लेकिन उनके 2 से 3 ओवर्स अभी डैनियल क्रिस्टियन को मिलेंगे, तो वाइस कैप्टन में डैनियल क्रिस्टियन को रखकर और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। नंबर 4 पोजीशन पे आते, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा था। तो आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार टीम का प्रीव्यू चेक कर लेना। आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर लेना दोस्तों, अपने हिसाब से प्लेयर एडजस्ट कर लेना। तो ओके गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके गाइस।